दोस्तों गोपाल कुमार सिंह ने कमेंट किया था कि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार के बीच में चैलेंज कराइए, तीन तीन गेंद मिलेंगे, जो सबसे कम रन देगा वो होगा चैलेंज का विनर। तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है चैलेंज। अगर आप भी चैलेंज देना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। पहले गेंदबाजी करेंगे भुवनेश्वर कुमार। पहली गेंद गुड लेंथ पे गेंद है और क्या शॉट है भाई, हेलीकॉप्टर शॉट है, पर यहाँ पे धोनी की तरह नहीं लगा पाए हैं, पर चौका जरूर मिल जाएगा इस शॉट पे क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। दूसरी गेंद भुवनेश्वर कुमार की, आगे बढ़ के इसको भी खेला है भाई, लेकिन लॉफ्टेड शॉट खेला था, पर फील्डर है वहाँ पे, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। दो बॉलों में छह रन दे चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। आखिरी गेंद अपनी तीसरी गेंद लेके चलेंगे भुवनेश्वर कुमार। शॉट गेंद मोड़ा है, इसको भी पुल करने की कोशिश, पर यहाँ पे सिंगल ही ले पाए हैं और तीन बॉलों में सात रन दिए भुवनेश्वर कुमार। दीपक चहर को तीन बॉलों में सात रन से कम देने हैं इस चैलेंज को जीतने के लिए। चलिए देखते हैं कौन जीतता है चैलेंज को। पहली गेंद यार्क लेंथ पे बॉल है और चम्मच लगा के गेंद को मोड़ा है और एक रन ले लिया इसी बीच, एक बॉल एक रन। अब इन्हें पांच रन से कम देने पड़ेंगे, पांच रन ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखते हैं दूसरी गेंद यार्क लेंथ पे और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पर स्ट्रेट में फील्डर लगा रखा है और कैच दे बैठे हैं एक आसान सा। भाई हार्ड मोड में भाई विकेट लेना बहुत ही मुश्किल होता है भाई, पर यहाँ पे दीपक चहर ने अपनी दूसरी गेंद पे विकेट दिला दी है और इसी के साथ शायद चैलेंज जीत भी जाएंगे। चलिए देखते हैं आखिरी गेंद और इसको भी ऋषभ पंत की तरफ खेलना चाहते थे, पर ऋषभ पंत नहीं बन पाएंगे और विकेट दे बैठे हैं यहाँ पे काफी बुरा तरह से ब्रेंडन किंग आउट होते हुए। भाई चलिए देखते हैं इसका रिप्ले एक बार, और इसी के साथ विनर भी बन चुके हैं दीपक चहर। भाई एक हाथ छूट गया बैट से और एक आसान सा कैच दे बैठे। अगर आप भी चैलेंज देना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा।